हेलो फ्रेंड्स आई नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेवन ऑफ द टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स फोर आइडेंटिकल हॉलो सिलेंडर्स ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 थाउजेंड तो यहाँ पे हमारे पास चार हॉलो सिलेंडर्स हैं माइल्ड स्टील से बने हुए तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर आउटर रेडियस और इनर रेडियस मैंने दिखाया हुआ है अंदर ये जो वाइट रीजन है दिस ऑल इज एम्प्टी तो ये जो चारों कॉलम्स हैं इनके ऊपर एक बड़ा फिफ्टी थाउजेंड के जी का स्ट्रक्चर रेस्ट कर रहा है तो ये जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इसको ये जो चारों कॉलम्स हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं दीज फोर कॉलम्स आर फर्दर रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड तो यहां पे हमने वैल्यूज एंटर कर ली हैं चार कॉलम्स हैं एंड द तो टोटल मास सपोर्टेड इज फिफ्टी थाउजेंड के जी तो इन चारों कॉलम्स के ऊपर टोटल जो फोर्स लग रही होगी ऊपर से दैट विल बी फिफ्टी थाउजेंड इंटू नाइन पॉइंट ट ठीक है जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से ये जो कॉलम्स हैं ये नीचे की तरफ दबेंगे द इनर एंड आउटर ऑफ ईच कॉलम आर रेडिया एंड सिक्सटी सेंटीमीटर तो यहां पे मैंने अलग से कॉलम को ड्रॉ करके दिखाया है यहाँ पे जो इनर रेडियस है दैट इज थर्टी सेंटीमीटर्स और आउटर रेडियस इज सिक्सटी सेंटीमीटर्स तो स्टील जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया क्योंकि बीच के रीजन में कुछ है ही नहीं तो उसको हम टोटल एरिया ऑफ द स्टील में काउंट नहीं करेंगे तो एरिया ऑफ द स्टील आ जाएगा पाई स्क्वायर वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स मीटर और जीरो पॉइंट थ्री मीटर हम पुट करके यहां से एरिया निकाल सकते हैं इट विल कम आउट एज जीरो मीटर स्क्वायर आई ऑलवेज प्रेफर एस आई यूनिट्स इन ऑल माई कैलकुलेशन तो अज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म हमें यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन लेना है इसका मतलब इसका जो वेट है उसका इफेक्ट चारों कॉलम्स पे बराबर ट्रांसफर होगा तो टोटल मास जो है आपका 50,000 थाउजेंड के जी सपोर्ट हो रहा है विच इज बिंग सपोर्टेड बाय फोर कॉलम्स तो यहां से हम देखेंगे कि एक कॉलम के ऊपर कितना लोड आएगा तो हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम देख सकते हैं ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ है वो इस सिलेंडर को कंप्रेस करेगा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और ग्राउंड जो है वो ऊपर की तरफ रिएक्शन एग्जर्ट करेगा विच विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू दी ओरिजिनल फोर्स तो यहां दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं दीज आर कंप्रेसिव फोर्सेस और इसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन आपके कॉलम को फेस करना पड़ेगा ये काफी इंपॉर्टेंट रियल लाइफ सिचुएशन है सिविल इंजीनियरिंग में इस तरीके के डिस्कशंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम यहां से एक कॉलम का लोड निकाल लेंगे टोटल लोड का जो नंबर है उसको हम फोर से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज देर आर फोर कॉलम्स विच आर इक्वली शेयरिंग द लोड तो फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर इज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो फोर्स जो लगेगी उसके लिए हम इन टू नाइन पॉइंट एट न्यूटन्स करेंगे ठीक है जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है तो यहां से हमने हर कॉलम के ऊपर लोड निकाल लिया है नाउ वी हैव टू कैलकुलेट देशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम तो जहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन का डिस्कशन हो रहा है वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ यंग्स मॉड्यूल्स यंग्स मॉड्यूल्स होता है रेशियो बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलॉन्ग देंथ तो कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों स्ट्रेन और दोनों स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल के डिस्कशन के अंदर आते हैं तो यहां से हमने देखा कि स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूल और स्ट्रेस की होता है फोर्स पर यूनिट एरिया कौन सी फोर्स फोर्स परपेंडिकुलर टू टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड तो यहां से हमारा रिजल्ट आ गया स्ट्रेन इज इक्वल टू एफ अपॉन एवा स्ट्रेन ही हमें निकालना है तो यंग्स मॉड्यूल्स की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई थी ये आपको एनसीआर की बुक में जो टेबल दिया हुआ है वहां से पिक करनी है स्टील का यंग्स मॉड्यूल होता है टू इंटू टेन टू दावर इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये वैल्यूज याद करने की रटने की जरूरत नहीं है पेपर में यूजुअली यंग्स मॉड्यूल शेयर मॉड्यूल ये सब वैल्यूज दी होती हैं नाउ ऑल डूज सब्सटीट्यूट दैल्यूज एफ की वैल्यू ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू नाइन पॉइंट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वीरो मीटर स्क्वायर एंड वाई यंग्स मॉड्यूल टू इंटू टेन टू दावर इलेवन यू कैन सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज टू गेट अवर आंसर है सेवन पॉइंट टू इन टू टेन टू दी पावर माइनस सेवन स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती चूंकि ये रेशियो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ले तो ऊपर नीचे सेम क्वांटिटीज है हैंड्स इट इज डायमेंशन लेस तो ये हमारा आंसर आ गया है दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल डू लाइक इट एंड शेयर इट विद यर फ्रेंड्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग